हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम 2022 के पीवाईक्यूज। और इसके पहले मैं ऑलरेडी आपको कॉटन यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यूज करा चुका हूँ, डिब्रूगढ़ के मैं कराऊंगा 2022 और 2023 के, है ना। और जो कॉटन यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी एज वेल एज जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहा है उन सभी के लिए ये पीवाईक्यूज यूजफुल होने वाले हैं। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँ के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप में से कोई भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जैम एग्जाम की, सीयूईटी पीजी एग्जाम की, सीएसआईआर नेट एग्जाम की, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें हमें बोला गया है जायरो मैग्नेटिक रेशो इज द रेशो, जायरो मैग्नेटिक रेशो जिसे हम जी से लिखते हैं वो रेशो होता है मैग्नेटिक मोमेंट का और एंगुलर मोमेंटम का, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। और ये रेशियो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ ई अपॉन 2m, ई मतलब चार्ज और m का मतलब है मास। तो यहाँ पर हमारे पास जो सही आंसर है वो आ जाएगा ए, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन में बोला है इफ द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय हाफ कीपिंग द प्रेशर कॉन्स्टेंट मीन फ्री पाथ, तो मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/√2, ये होता है पाई सिग्मा, सिग्मा या डी स्क्वायर लिख लो, सिग्मा का मतलब होता है यहाँ पर जो डायमीटर है ना, डी स्क्वायर। और ये हो गया एन, एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और इसकी जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है पी अपॉन के टी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास चेंज हो जाता है किसमें, ये के टी ऊपर चला जाएगा √2 πd²p। पी को कांस्टेंट कर दिया तो लैम्डा प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टेम्परेचर के ना, पी कांस्टेंट कर दिया तो लैम्डा प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। तो अब यहां से लैम्डा 1 अपॉन T1 इक्वल्स टू हो गया लैम्डा 2 अपॉन T2। तो आपको क्या बोला है कि यहां पर जो टेम्परेचर है उसको हाफ कर दिया, यानी कि T2 की वैल्यू T1/2 कर दी, तो लैम्डा 1 अपॉन T1 और लैम्डा 2 ये हो गया T1/2, तो ये बन गया लैम्डा 1 इक्वल्स टू 2 λ2। यहां से लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई λ1/2, यानी कि क्या हो जाएगा हाफ। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करें, उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यदि आप या आपके कोई रिलेटिव कलीग आपके जानने वाले प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT जैम 2025 फिजिक्स के लिए, तो आप उसके लिए मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का नाम है लक्ष्य 2025 IIT जैम फिजिक्स। ये बैच जो है वो आपको अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ आपको लोअर फुटर में भी दिख जाएगा ऐप का नाम। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद आप बैच सर्च करिए, बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप। अभी के लिए इस पर डिस्काउंट प्राइस चल रहा है और इस बैच का जो प्राइस है वो केवल 5500 रुपीज ओनली है, यानी कि 5500 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको जो डेली क्लासेस हैं वो अवेलेबल होंगी, जो कि लाइव के बाद रिकॉर्डेड अवेलेबल होती है। आपको 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड हो सके। क्लास नोट्स और साथ साथ डाउट सपोर्ट आपको पूरा इस बैच में अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की, चाहे वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो बाकी नॉर्थ ईस्ट की कोई यूनिवर्सिटी हो, इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी हो जिनके एग्जाम अभी बचे हैं 2024 में, तो उनके लिए मेरे पास बैच है अभ्यास 2.0। ये बैच भी आपको अवेलेबल होगा निंजा प्रेप एप्लीकेशन, दैट इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर निंजा प्रेप बाय कपिल सर। और इस बैच का जो प्राइस है केवल और केवल 1800 रुपए है, जिसे कि आप 100 रुपए के डिस्काउंट के बाद 1700 रुपए में परचेज कर सकते हैं। इस बैच में आपको बहुत सारे PYQs अवेलेबल होंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की बहुत सॉलिड हो जानी है। अगर आप CUET PG 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस केवल 4500 रुपीज है। साथ ही साथ यदि आप टारगेट कर रहे हैं CSIR नेट एग्जाम को या गेट एग्जाम को, अगर आप MSc में फर्स्ट ईयर में आए हैं, आपका ड्रीम है CSIR नेट की प्रिपरेशन करना या CSIR नेट क्लियर करना, गेट एग्जाम को क्लियर करना, तो उसके लिए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज गेट श्रेष्ठा 2025 बैच, जिसे कि आप केवल 10,000 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके जितने भी नेट के अंदर आने वाले या गेट के अंदर आने वाले सब्जेक्ट्स हैं वो कवर कराए जाएंगे। इसके अलावा यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं, आपसे बहुत लंबी प्रिपरेशन नहीं होती है, आपको ऐसा चाहिए कि मुझे सिर्फ
बेहतरीन क्वेश्चन मिल जाए जिससे कि मेरी प्रैक्टिस हो जाए, या मैंने पहले प्रिपरेशन की हुई है अब मेरे को केवल और केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए आप मेरा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि है विजय श्री बैच। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चन तो मिलेंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी मिलेंगे, फॉर्मूला रिविजन भी आपको साथ में कराया जाएगा। इस बैच का प्राइस अभी के लिए 3500 रुपए केवल है। इस 3500 रुपए में आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं और ये बैच 28th of June से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं आगे वीडियो में। क्वेश्चन पे आइए। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 1 atmospheric प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर इज 330 meter per second। वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है गामा आर टी ऑन एम। अब यहां पर का लिखा है ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर 2 times। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो इंडिपेंडेंट होती है प्रेशर से, इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर। तो ये प्रेशर से इंडिपेंडेंट होती है, इसका मतलब प्रेशर में कोई भी चेंज करेंगे तो इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। पहले भी ये 330 मीटर पर सेकंड थी, बाद में भी ये कितनी रहने वाली है, 330 मीटर पर सेकंड रहने वाली है। फोर्थ क्वेश्चन, अ क्लोज एंड एयर कॉलम ऑफ लेंथ एल प्रोड्यूसेस अ स्टैंडिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 90 हर्ट्ज एंड 5 एंटीनोड्स। अब ये एंटीनोड्स कितने बन रहे, 5 एंटीनोड्स का मतलब क्या है, अगर मैं 5 एंटीनोड्स यहां पर बनाता हूं, एंटीनोड्स यानी कि जो बीच में आए, एक एंटीनोड ये हो गया, फिर ये हो जाएगा सेकंड, फिर ये हो जाएगा थर्ड, फिर ये हो जाएगा फोर्थ, और ये हो जाएगा फिफ्थ। तो ये फिफ्थ एंटीनोड हो गया। फिफ्थ एंटीनोड का मतलब है, 5 एंटीनोड का मतलब है कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वो होगी 9V/4L। कितनी होगी, 9V/4L। भाई फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं इसका, इसका फॉर्मूला लिखते हैं 2N-1V/4L। जितने लूप बन रहे हैं, जितने लूप बन रहे हैं उसका लिखते हैं ना, तो 2N-1V/4L, तो 9V/4L ये हो गई। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 90 हर्ट्ज, तो ये हो गया 90 = 9V/4L। तो यहां से V/4L जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गया 10। V/4L की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। और यहां से अगर आप लेंथ निकालते हैं तो लेंथ यहां से जो निकलेगी ये ऐसा चालू होगा, ऐसे यहां से जो लेंथ आएगी वो कैसे आएगी, ये पूरी जो लेंथ है ये होगी λ/2, ये जो लेंथ होगी ये होगी λ/2, ये वाली जो लेंथ होगी ये भी होगी λ/2, ये लेंथ होगी λ/2, और ये जो लेंथ होगी ये होगी λ/4। यानी कि फर्स्ट केस में अगर मैं लेंथ लिखना चाहता हूं तो L1 = वो कितना लिखा जाएगा, L1 की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 9λ/4। 2λ में λ/4 ऐड करना है, 9λ/4। तो इस क्वेश्चन में बोला है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव चेंजेस टू 72 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी जो है 72 हर्ट्ज हो जाती है। 72 हर्ट्ज होने का मतलब है अगर मैं इसको यहाँ 72 कर देता हूँ, V/4L की वैल्यू हमने निकाली हुई है कितनी, 10। तो यहां से बनता है 2N-1 × 10। तो यहां से n की वैल्यू लगभग हमारे पास 4.2 आती है। 4.2 का मतलब ये 4 लूप हो गए, है ना, इसको मैं लगभग 4 ले लेता हूँ, 4 लूप हो गए। 4 लूप का मतलब है कि हमारे पास जो यहाँ लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी, 2λ बनेगी ना। तो एक केस में मैं लिख देता हूँ λ1 और इसको लिख देता हूँ λ2। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा लगभग 18 के आसपास। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जाएगा 18 लेंथ, है ना, तो 18 से डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ फेज डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स। तो हमारे पास एक वेव है एक्स, इसको लिखा है A sin ωt + π/4। अब इसको मैं चेंज कर सकता हूँ कॉस में, तो कॉस में कैसा लिख सकता हूँ, cos π/2 - ωt, तो π/2 माइनस कर दूं ओमेगा टी में, तो cos π/2 - ωt, तो ये लिखा जाएगा -ωt - π/4। तो यहां से बन जाएगा एक cos, ये हो जाएगा π/2, में से π/4 माइनस हुआ तो ये बनेगा π/4 -ωt। माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं a cos, और ये हो जाएगा ωt - π/4, cos θ = -θ। ये हो गई x की वैल्यू। y की वैल्यू जो है वो कितनी है, a cos ωt। फेज डिफरेंस निकालना है यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, तो ये इसको ले लो आप θ1 और इसको ले लो आप θ2। फेज डिफरेंस जो ये हो गया θ1 - θ2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ωt में से माइनस कर दो ωt - π/4, तो ये +π/4 हो जाएगा। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, c यानी कि π/4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो सावर्ट लॉ इज इक्विवेलेंट टू, तो बायो सावर्ट लॉ इक्विवेलेंट होता है किसके, कूलम्स लॉ। तो बायो सावर्ट लॉ जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, कूलम्स लॉ के इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडक्टेंस की जो वैल्यू हम लिखते हैं वो लिखते हैं फाइव टी, एन फाइव टी इज इक्वल्स टू एल आई, और फ्लक्स जो होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू एल आई। अगर मैं कॉइल की बात करूं तो कॉइल के लिए ये हो जाएगा कितना, म्यू नॉट एन आई ए इक्वल्स टू एल आई। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई, तो आई से आई कैंसिल हो गया, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई, एन म्यू नॉट एन, इसको एन वन एन टू कर लो और ये हो गया ए, है ना, ये हो गया ए, और ये एन की वैल्यू को आप एन बाय एल लिख सकते हो, तो यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हो म्यू नॉट एन वन एन टू ए ऑन एल। ये कॉइल के लिए फॉर्मूला हो गया। अब कॉइल के अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम डिक्रीज करेंगे तो फ्लक्स वहां से डिक्रीज हो जाएगा, हमें क्या करना है, इंडक्टेंस को बढ़ाना है। इंडक्टेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, यदि मैं कोर डायमीटर को इंक्रीज करेंगे तो हमें जो वायर है वो ज्यादा लगेगा, देन लेंथ ऑफ वायर शुड इंक्रीज, वायर विल बी इंक्रीज, ये इंक्रीज करेगी, ये इंक्रीज करेगी, तो फिर जो फोर्स है बैक ईएमएफ वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा, बैक ईएमएफ भी इंक्रीज होगा, और बैक ईएमएफ अगर इंक्रीज होगा तो इंडक्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि सही आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो मैं ले लेता हूं वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो डी वाई अपॉन डी टी की जो वैल्यू है वो बनेगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब ए की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दी है, ए की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 इंटू 10 पावर माइनस 2। ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई अपॉन टी, और ये हो गया कॉस 2 पाई अपॉन टी और स्मॉल टी। अब जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, ये हो गया 6 इंटू 10 पावर माइनस 2 2 पाई टी, टाइम पीरियड हमें दिया है 6 सेकंड, ये 6 सेकंड हो गया, फिर यहाँ से कॉस 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड 6 सेकंड और आफ्टर 1 सेकंड, तो ये 1 सेकंड हो गया, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 2 पाई इंटू 10 पावर माइनस 2 और ये बनेगा कॉस पाई बाई थ्री, कॉस पाई बाई थ्री वैल्यू देगा 1/2, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा पाई इंटू 10 पावर माइनस 2, पाई इंटू 10 पावर माइनस 2, यानी कि आंसर आ जाएगा बी 0.0314 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है शेप पर, डेंसिटी ऑफ बॉडी यानी कि मास, स्टेट ऑफ मोशन पर वो डिपेंड नहीं करेगा, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, न्यूक्लियर स्पिन रिप्रेजेंट करेगी टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस, वॉट इज नेसेसरी फॉर डायफ्रेक्शन, डायफ्रेक्शन के लिए नेसेसरी है इंटरफेरेंस, क्योंकि जब जो डायफ्रेक्शन रेज है उससे हमें डायफ्रेक्शन पैटर्न बनाना होगा, तो उसके लिए हमें उनका इंटरफेरेंस कराना होगा, इसलिए इसके लिए इंटरफेरेंस जरूरी है। रिलेटिविस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें मोमेंटम निकालना है, तो फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर और ये हो गया स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1 MeV, तो ये 1² हो गया, पी सी को मैंने ऐसे स्क्वायर में लिख लिया और ये जो हो गया, ये हो गया मेरे पास 0.511 इसका स्क्वायर, तो यहां से पी सी की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो लगभग आएगी 0.895 MeV, तो पी की जो वैल्यू है 0.8595 अपॉन ये हो जाएगा सी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये लगभग बराबर हो जाएगा 1 MeV अपॉन सी, करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द क्वांटिटी दैट वेरीज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी जो है वो रहती है कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा वो रहता है कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट रहता है, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो, और हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, जीरो। और जब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि वी स्क्वायर अपॉन आर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, लगातार चेंज होगी, डायरेक्शन चेंजेस, क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होगी,
इसलिए जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन भी लगातार चेंज होगी, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ए। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्टिविटी एंड एमिसिविटी आर इंटर रिलेटेड अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा किरचॉफ्स लॉ। द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट बताता है हमें डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, और जो इमेजिनरी पार्ट हमें बताता है डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ मटेरियल। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइब्रेशन ऑफ मोनोएटॉमिक लैटिस रिजल्ट्स इन बोथ अकाउस्टिक एंड ऑप्टिकल मोड्स। द क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन 110 का मतलब है जेड के हो गया पैरेलल, मतलब जेड के लिए इनफाइनाइट पैरेलल टू जेड एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लैटिस, तो एचसीपी का जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है वो क्या होता है, एचसीपी होता है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। ये थे 2022 के डिब्रूगढ़ पीजी एंट्रेंस के फिजिक्स के पीवाईक्यूज। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2023 के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे, तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो सीयूईटी पीजी का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था। कुछ एक बच्चों ने आईआईटी के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे, तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 के मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो है वो बिग फोर यूनिवर्सिटीज मतलब डीयू, जेएनयू, बीएचयू और एचसीयू में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स आईआईटीज में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पांडिचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो आईआईटी जेई जैम की बात कर लें, चाहे हम सीयूईटी पीजी की बात कर लें, फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक डीयू का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर डीयू के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट जेएनयू के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट बीएचयू में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पांडिचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी दिल्ली में और आईआईटी कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी जैम एग्जाम के लिए या सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए, तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको सीयूईटी पीजी के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे। अभी एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मंजिल सीयूईटी पीजी 2025 ज्वाइन कर सकते हैं, ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप आईआईटी जैम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।